नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सर्दी लगातार प्रचंड होती जा रही है। शीतलहर और गलन से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गर्म कपड़ों का बोझ शरीर पर लादने के बाद भी लोग ठिठुरते नजर आ रहे हैं। ठंड के साथ साथ धुंध और कोहरे ने भी लोगों को परेशान कर रखा है। बच्चों के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश भर में सर्दी का सितम जारी रहेगा, शीतलहर का प्रकोप। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी से सड़कें बंद, घने कोहरे के चलते फ्लाइट्स पर असर, बारिश और ओला गिरने के भी आसार। अलाव का सहारा ले रहे लोग। उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, राजस्थान समेत 5 राज्यों के स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। हिमाचल में बर्फबारी के चलते कई इलाकों में सड़कें बंद हो गई हैं। मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटे बारिश और ओला गिरने के आसार हैं। दिल्ली में पारा 7.6 डिग्री तक गिर गया। यह पॉल्यूशन के चलते भी परेशानी बढ़ी है। घने कोहरे का असर ट्रैफिक पर पड़ रहा है। यह कंस्ट्रक्शन वर्क रोकने की हिदायत दी गई है। जम्मू कश्मीर में पारा गिरने का सिलसिला जारी है। यहां कई इलाकों में टेम्परेचर -5 तक दर्ज किया गया। साल के पहले वर्किंग डे पर दिल्ली में पारा नीचे गिरा। सोमवार को यहां मिनिमम टेम्परेचर 7.6 डिग्री दर्ज, मैक्सिमम टेम्परेचर 17.3 डिग्री रहा। यह सामान्य से 2 डिग्री कम था। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में टेम्परेचर और गिरेगा, लेकिन घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी पर असर पड़ेगा। यूपी के कई इलाके पिछले 24 घंटे के दौरान जबरदस्त ठंड और शीतलहर की चपेट में रहे। कानपुर सोमवार रात यूपी में सबसे ठंडा रहा। डॉक्टर्स का कहना है कि कड़ाके की ठंड की वजह से नसों में सिकुड़न आ रही है, खून का थक्का जम रहा है, इससे अटैक पड़ रहे हैं। पूरे राज्य में अगले 5 दिन कोल्ड वेव का अलर्ट है। इस हफ्ते पश्चिमी यूपी में बारिश हो सकती है। शीतलहर को देखते हुए लखनऊ समेत कई जिलों में 12वीं तक के सभी स्कूल 4 जनवरी से 7 जनवरी तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। तो वही बिहार के सभी हिस्सों में 48 घंटे से कोहरे का असर है। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। राजस्थान के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर से कम दर्ज की गई है। वहीं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक 12 जिलों में शीतलहर की आशंका जाहिर की है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी के चलते प्रदेश के डैनकुंड, कलातोप, अहला 6 इंच बर्फ से ढके हुए हैं। बर्फबारी के चलते कई इलाकों में सड़कें बंद हो गई हैं। प्रदेश के कई शहरों में तापमान माइनस में जा चुका है, तो उधर झारखंड में भी ठंड बढ़ गई है। यहां कई शहरों में घना कोहरा छाया रहा। इसी तरह का मौसम 5 जनवरी तक रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 6 जनवरी से ठंड और बढ़ सकती है। इसके साथ ही कोहरा और धुंध भी छाए रहेंगे। रांची के भी कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान कई जिलों में 9 से 11 डिग्री के बीच रहा। श्रीनगर में पारा -5.4 डिग्री तक गिर गया है। कश्मीर अभी चिल्ले कला की चपेट में है। इस दौरान यहां 40 दिन तक कड़ाके की सर्दी पड़ेगी और सबसे ज्यादा बर्फबारी होगी। ये 21 दिसंबर को शुरू हुआ था और 30 जनवरी को खत्म होगा। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में 3 से 5 जनवरी के बीच भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जनवरी और मार्च के बीच उत्तर पश्चिम भारत में लॉन्ग पीरियड एवरेज LPA की सामान्य बारिश से 78% कम बारिश का अनुमान लगाया है। जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए उत्तर पश्चिम भारत में बारिश का LPA लगभग 184.3 है। वहीं देश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। सभी राज्यों की सरकारों की ओर से जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं और रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है।
ब्यूरो रिपोर्ट प्राइम टीवी। अभी के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।